गीता रामायण महाभारत हम भारतीयों की सांस्कृतिक विरासत हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। मेरी ये कहानी सुन लीजिए, आपको मुझ पर और इस कहानी पर गर्व होगा और जिसकी ये कहानी है उनको आप सैल्यूट करेंगे। एक दिन धोती कुर्ता और शाल लपेटे एक सज्जन व्यक्ति समुद्र तट पर बैठे हुए गीता का पाठ कर रहे थे। उसी समय एक लड़का वहां आया और उसने कहा कि आज के इस आधुनिक वैज्ञानिक युग में आप ऐसी किताबें पढ़ रहे हो, हम चांद पर पहुंच गए हैं और अभी भी आप गीता और रामायण में फंसे हुए हो। उस सज्जन व्यक्ति ने लड़के से पूछा, गीता के बारे में आप क्या जानते हो? लड़के ने जवाब दिया, बहुत ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन उसने उत्साह में कहा, ये सब पढ़ने के बाद क्या होगा? आप जानते हो मैं विज्ञान का छात्र हूँ, विक्रम साराभाई अनुसंधान संस्थान में एक वैज्ञानिक हूँ, ये गीता वीता का पाठ बेकार की चीज है। उस नवयुवक की बात सुनकर सज्जन व्यक्ति हंस पड़े। तभी दो बड़ी बड़ी गाड़ियां वहां कर रुकी, एक कार में से कुछ कमांडो उतरे, दूसरी कार में से एक सिपाही। उस सिपाही ने व्यक्ति की कार का दरवाजा खोला और सलामी दी और कार का दरवाजे के पास खड़ा हो गया। वो जो सज्जन व्यक्ति गीता का पाठ कर रहे थे वो धीमी गति से उस कार में चढ़ने लगे। लड़का ये देखकर हैरान था। लड़का ने सोचा ये जरूर कोई प्रसिद्ध व्यक्ति होना चाहिए। लड़का तुरंत भागकर उनके पास पहुंचा और उनसे कहा, सर 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 आप कौन हैं? उस सज्जन व्यक्ति ने शांत स्वर से कहा, मैं विक्रम साराभाई हूँ। लड़के को 440 वोल्ट का करंट लगा और जानते हो वो लड़का कौन था? वो लड़का अब्दुल कलाम आजाद था। उसके बाद डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद ने रामायण गीता महाभारत सारी पुस्तकें पढ़ी और उन्होंने कभी भी मांस ना खाने का वादा किया। उन्होंने अपनी आत्मकथा गीता इज साइंस में लिखा कि गीता रामायण महाभारत भारत की अपनी सांस्कृतिक विरासत पर एक बड़ा गर्व होना चाहिए और हर भारतीय को इस पर गर्व करना चाहिए। दोस्तों ये वो संदेश था जो हर हिंदुस्तानी को सुनना चाहिए, हर हिंदुस्तानी को मानना चाहिए। शायद इतने विद्वान लोगों ने भी गीता महाभारत रामायण में जो बातें पढ़ी उन्हें अपने जीवन में अपनाया, तो आप भी अपना सकते हैं। गीता और महाभारत हमें वो देती है जो जीवन के जीने का सार है, इसलिए हर मनुष्य को इन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए और पढ़कर इनकी बातें अपने जीवन में उतारनी चाहिए। यही भारतीयों के लिए एक ऐसी देन है जिस पर हम गर्व कर सकते हैं। डॉक्टर साराभाई और डॉक्टर अब्दुल कलाम को मेरा सैल्यूट है। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।